नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शरीर में कमजोरी आ जाना, खून के कमी आ जाना, एनीमिया के प्रॉब्लम हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, उसके कारण से आपको शरीर में विभिन्न प्रकार की आपको बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो उसको आपको ठीक करने के लिए और खून को पूर्ति करने के लिए एक होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन है जो बहुत अच्छा वर्क करती है पूरे शरीर में और बहुत अच्छा इसे लाभ मिलती है। तो उसके बारे में हम आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उस मेडिसिन का नाम है, आपको पिक्चर लगा देंगे, फेरम सिप सिरप। SBL का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फेरम सिप सिरप, जो खून बढ़ाने के लिए एनीमिया की प्रॉब्लम हो, खून की कमी हो गया हो, उसको पूरा करती है और शरीर में ताकत लाती है और तंदुरुस्त बनाती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेंट डली हुई है। पहली मेडिसिन डली हुई है फेरम फोस। फेरम फोस खून बढ़ाने के लिए बेस्ट दवा है। दूसरी मेडिसिन है चाइना ओफिनेसलिस, यानी सिंकोना ऑफिनेसलिस, जो खून बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बढ़िया दवा है। तीसरी मेडिसिन है काली फोस। काली फोस भी खून बढ़ाने के लिए और मेंटल वर्क करते उसके लिए बेस्ट दवा है। चौथी है फेरम मेटालिकम, ये भी खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दवा है। और नेक्स्ट दवा है नेट्रम फोस, ये भी खून बढ़ाने के लिए बेस्ट दवा है। और फेरम मेटालिकम भी 3x में डली हुई, बहुत अच्छा है। ये खून बढ़ाने के लिए सिरप है। इसको आप 13 साल के नीचे है बच्चा, उसे आप 2.5 ml, इसे टिप्पी से या इसमें टिप्पी लगा हुआ है, उसे आप 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दीजिए। और 13 साल से ऊपर का बच्चा, उसे 5-5 ml सुबह दोपहर शाम दीजिए, या बड़े हो 5-5 ml सुबह दोपहर शाम लीजिए। इससे आपको खून की पूर्ति हो जाती है और साथ में खान पीन का भी आप ध्यान रखें, इससे आपके बहुत अच्छा इसे लाभ मिलती है, खून को ये पूर्ति करती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।